बहुत ही बढ़िया ओनर, इनको इतना सपोर्ट करिए, इतना सपोर्ट। गुड मॉर्निंग, तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और मैं नहा के एकदम रेडी हो चुका हूँ। तो गाइस आज है संडे और आज पूरा एंजॉय करना है, छुट्टी है। तो यार आप लोग ब्लॉग में यार अब ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो रहे हो भाई, ब्लॉग में अब ज़्यादा व्यूज नहीं आ रहे, कमेंट्स नहीं आ रहे हैं। भाई मैंने क्या ऐसी गलती कर दी यार, प्लीज़ अगर कोई गलती किया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं सबका रिप्लाई करूँगा, पक्का वादा करता हूँ। तो गाइस अभी ये मेरा वॉच, यहाँ वॉच निकाल के नाश्ता वगैरह करेंगे, फिर ट्यूशन जाना है 8:00, 8:00 जाना है, फिर डेली मतलब अब डेली नहीं जाना है पर ये आज शनिवार को 8:00 जाना है और फिर आना है 10:00। अभी मैं पहुंच चुका हूं महादेवा चौराहा, देख रहे पुलिस थाना, और अभी मेरे दोस्त सारे आ रहे हैं। तो गाइस फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं वहां, उस गेट से जाना है और जाने के बाद कोचिंग पढ़ना है, फिर अभी बुक भी बहुत सारा लेना है, उसके बाद ब्लॉग को कंटिन्यू आगे करेंगे। आप लोग ब्लॉग में रहिएगा, हाँ अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा यार। Check it time, don't know how to feel, but I'm not sorry. तो गाइस अभी हम लोग तीनों भाई लोग पहुंचने वाले हैं कोचिंग पे, अभी साइकिल चला रहा हूं। तो अभी आज बुक चरफैया, तो गाइस अभी बुक वगैरह लेना बहुत सारा, उसके बाद लेके फिर ब्लॉग को करते हैं और आप लोग रहिएगा। कोचिंग अभी पढ़ना है लगभग 1 घंटा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं स्टूडियो में, अभी आधे रास्ते में है, घर पर ब्लॉग को नहीं कर पाऊँ क्योंकि मम्मी अगर जानती मैं स्टूडियो में जा रहा हूँ तो प्रॉब्लम हो जाता। और अभी चल रहे हैं तो भैया से मिलेंगे, अभी अमित भैया कॉल कर रहे हैं, हाँ अभी तो कॉल हो रहा है और वो अभी कॉल से बात करेंगे तो फिर उनके पास चलेंगे, वो स्टूडियो पूरा दिखाएंगे, भैया से बात करना है एक्टिंग के बारे में तो कुछ नॉलेज देंगे। हेलो विभाग लिखल है बस्ती, हाँ ये बाटी मोड़ो नए दुकान बैठी हरियाणा में। हाय गाइस, देखिए हम लोग पहुँच गए हैं, अभी भाई अंदर बात कर रहे हैं, अब हम चलते हैं उनको मिलाने, लेकर चलते हैं गाइस, आप लोग ऐसे बन लीजिए। दोस्तों जैसा कि मैं ब्लॉग में बोला था, भैया के पास पहुंच चुका हूं और तो काफ़ी मदद कर रहे हैं और अभी ट्रिप्स और टिप्स कुछ दे रहे हैं, तो यहां अमित भैया भी साथ में हैं। तो अभी जैसे हम लोग बात कर रहे हैं तो भैया जैसे इस प्लेटफॉर्म पर अभी मुझे क्या करना है कैसे कुछ, अभी जैसा कि हमने बताया ना आपसे कि मतलब कुछ ऐसा क्रिएटिविटी अपने अंदर खुद तैयार करो कि मतलब जो है कोई भी हो जैसे सोशल मीडिया पर आप चर्चित हो, तो आपको आप ना किसी के पास जाओ, आपको ढूंढते हुए वो आना चाहिए। लेकिन सर ये है कि लोगों का अपने अंदर जब हुनर पैदा रहेगा ना, आपके अंदर जब हुनर रहेगा तो कोई भी आपको जो है कहीं से भी ढूंढ सकता है। लेकिन सर ये मानिए कि आजकल जो जिसके पास एक्टिंग करना चाहे तो नहीं दब सकता है, हाँ ये बात तो है। जब लोगों के दिलों में आप राज कर रहे हो अपने अपने हुनर से तो आप कोई नहीं दबा सकता, कितनी बार दबाएगा, एक बार लगाएगा फिर शुरू करेंगे, ये तो दूसरा दोबारा शुरू करेंगे, एक बार दो बार तीन बार अगर शुरू करेंगे, लेकिन कहीं ना कभी हमको जो है उस सफलता मिलेगी, मिलेगी कि नहीं। जी बिल्कुल सही, ठीक है। तो हाँ गाइस अब मामा से मिल चुके हैं, इनसे बात कर लीजिए थोड़ा सा। देखिए इस लड़के के अंदर जो भी हुनर है बहुत ही बढ़िया हुनर, एकदम झक्कास इसको बोलते हैं। हम इनसे बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अपनी ये हुनर को और भी बढ़ावा दें ताकि आगे चल कर के जो भी इनकी जो भी मंजिल है, जो भी ये चाहना चाहते हैं वो उनको मिले, ठीक है। और आप लोग इनको इतना सपोर्ट करिए, इतना सपोर्ट करिए कि ये रातों रात ही स्टार हो जाए। हम ये नहीं कहेंगे कि तुरंत हो जाएंगे, लेकिन इनके अंदर वो हुनर है कि ये हो सकते हैं, लेकिन जब ये मेहनत करेंगे तब। अब
ऐसा नहीं लगता कि लड़के ऐसे नहीं है कि ये मेहनत नहीं करेंगे, बहुत अच्छा जो है मेहनत करते हैं, बस आप लोग की सपोर्ट की जरूरत है, आप लोग सपोर्ट करिए बस। आप लोग से आज उनकी विनती कर रहा हूँ, आप लोग मामा का बात सुनी चुके हैं जो ये काफ़ी नॉलेज है, मतलब इनके अंदर नॉलेज है, काफ़ी एल्बम भी शूट करते हैं, स्टूडियो है, तो मैं इनके वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा और आप लोग का प्यार सपोर्ट बस चाहिए। और आप लोग सब सुन चुके हैं तो चुका अभी चलना है घर, तो अभी लग जा रहा है यहाँ पर पूरा फोकस है गाइस, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में और आप लोग प्यार सपोर्ट जरूर करिएगा। तो अभी इंस्टा को फॉलो नहीं किया तो फॉलो जाके कर लो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। थैंक यू, मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।